वंदे मातृभूमि गुणीजन, ये जो व्यक्ति आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये हैं संत, नहीं नहीं, इनका नाम है ऋषि। ऋषि का मतलब होता है सेंट। ये साउथ अफ्रीका पहुंचे अपने माता पिता के साथ, वहां से इंग्लैंड आए और पिछले कुछ सालों से वहां की राजनीति में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, जो बहुत सारे सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। इनके माता पिता भी आपको दिखेंगे इसी वीडियो में, इनके सास ससुर भी दिखेंगे, इनकी पत्नी भी दिखेंगी और इनकी बच्चियां भी दिखेंगी, और इनके वो कर्म आपको एहसास कराएंगे कि असंभव कुछ भी नहीं है यदि इंसान ठान ले। कहा जाता है कि लगभग 200 वर्ष तक हम गुलाम रहे अंग्रेजों के, आज उसी ब्रिटानिया पर, उसी इंग्लैंड पर हमारे देश, हमारी इस मातृभूमि का एक सपूत ऋषि सुनाक प्रेसिडेंट है। सो इंग्लैंड से भारतीयों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं और अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऋषि के पूर्वज पंजाब से हैं, उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति, जो जाने माने उद्योगपति और इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति जी की बेटी हैं। इंग्लैंड में ऋषि सुनक का पॉलिटिकल करियर बेहद शानदार रहा है। पिछली बार भी वो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन अंतिम समय बोरिस जॉनसन को पीएम चुन लिया गया। इस बार वो पीएम बन चुके हैं। कुछ और जानते हैं, 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में ऋषि सुनक का जन्म हुआ। उनकी मां का नाम उषा सुनक और पिता का नाम यशवीर सुनक है। वो तीन भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके दादा दादी पंजाब के रहने वाले थे। 1960 में वो अपने बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका चले गए थे और यहीं से उनका परिवार इंग्लैंड पहुंचा। ऋषि सुनक की दो बेटियां हैं। उनकी बेटियों के नाम है अनुष्का सुनक और कृष्णा सुनक। ऋषि सुनक की शुरुआती पढ़ाई इंग्लैंड के विंचेस्टर कॉलेज से हुई और आगे उनकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड से की। 2006 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री प्राप्त की। ऋषि सुनक की अक्षता मूर्ति से मुलाकात एमबीए की पढ़ाई के दौरान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। वहीं दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ा। 2009 में उन्होंने बेंगलुरु में अक्षता से शादी की। अक्षता इंग्लैंड में अपना फैशन ब्रांड भी चलाती हैं। आज की तारीख में वो इंग्लैंड की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने गोल्डमैन सेक्स में नौकरी की ऋषि ने। उसके बाद 2009 में उन्होंने नौकरी छोड़ अपना व्यवसाय शुरू किया। 2013 में कैटामारन वेंचर्स यूके लिमिटेड में उन्हें और उनकी पत्नी को डायरेक्टर नियुक्त किया गया। वह 2015 में उन्होंने इस फर्म से इस्तीफा दे दिया। अब उनकी पत्नी इससे जुड़ी रही, यह कंपनी नारायण मूर्ति जी की है। ऋषि सुनक 2014 में पहली बार राजनीति में कदम रखा। 2015 में उन्होंने रिचमंड से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2017 में उन्होंने एक बार फिर जीत मिली हासिल की। 13 फरवरी 2020 में इंग्लैंड के वित्त मंत्री बने। हाँ, अभी दो साल पहले बुधवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की खबर आने के बाद ब्रिटिश पीएम की रेस में सबसे आगे ऋषि सुनक का नाम चल रहा था। अगले 102 लगभग 200 वर्ष जिन्होंने हम पर शासन किया आज, लेकिन उनके शासन में समस्याएं थी, उनके शासन में निर्दयता थी, अमानवीयता थी, पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारा ऋषि सुनक इंग्लैंड को एक ऐसी राह प्रदान करेगा जिससे विश्व में ये प्रसिद्ध ना हो जाए बल्कि पूरा विश्व भारत को और भारतीयों का अनुसरण करने लगे कि हम लड़ाई से नहीं, सच्चे कर्मों से, स्नेह से, प्रेम से जीतते आए हैं और जीतते रहेंगे दिल लोगों के। ऋषि सुनक, आपको और आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हर हिंदुस्तानी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और ब्रिटेन के हर नागरिक को मैं शुभकामना देता हूं कि आपके लिए भारत ने एक ऐसा व्यक्तित्व भेजा है जो आपके जीवन में सफलताओं की और स्वास्थ्य की, एकता की, संयम की, अनुशासन की, बुद्धि विद्या की रोशनी भर देगा। ऋषि सुनक जिंदाबाद। आपका परिवार, आपकी निष्ठा, आपका अजोड़ और आपकी कुर्बानियां जो आपने यहां तक पहुंचने के लिए दी हैं, उन सबको सलाम। जय हिंद।